सीरियल जिवें कि चंडीगढ़ शूटिंग हुई है ना, सो पंजाबी कल्चर और विरासत नूं तुसी चंद लफ्ज़ां च इस सीरियल च किवें समेटिया? यहां पे आके बहुत अच्छा फील आता है। पहली बात तो चंडीगढ़ इज माय फेवरेट प्लेस, आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस 1980। तो मेरी सिस्टर की शादी यहां पे हुई, मेरे जीजा जी विजय टंडन वो यहीं फिल्म इंडस्ट्री से हैं। तो यहां का कल्चर बहुत रिच है और यहां पर आकर बहुत अपनापन महसूस हुआ। यहां पर हर तबके के लोग, यहाँ पे हर सेक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे पंजाबी बोलते हैं। तो हम तो यूज़ टू नहीं है, महाराष्ट्र में तो हम लोग अलग तरह की लैंग्वेजेस, सब तरह की लैंग्वेजेस सुनते हैं, लेकिन पंजाबी बहुत रेयरली सुनने को मिलती है। तो यहाँ वो सब देख के अच्छा लगता है। फिर यहाँ के तीज त्यौहार तो हम लोग वहाँ भी मनाते हैं, तो हम इन्जॉय तो बहुत कर रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्लेस। तो हाँ, हम अपने घर से दूर हैं, वो हमें परेशान ज़रूर करता है कभी कभी। फैमिली से दूर रहना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा पैकअप होने के बाद भी हम घर नहीं पहुंचते, हम एक वी डू मिस आवर फैमिली। तो दैट्स ओके, बट काम है जो जहां पर भी आता है वहां जाकर आपको शिद्दत से करना होता है, कमिटमेंट के साथ, बिकॉज आपने कमिट किया है। दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, बिकॉज हम एक्टर्स इसीलिए तो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अगर आप छोड़ दोगे तो फिर ऐसे तो चैलेंजेस आप ले ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, अगर आप छोड़ दोगे तो चैलेंजेस नहीं ले पाओगे। एक बहुत चंगा मैसेज जिन्हें भी कास्ट है ना आज यूथ नु दे रही है, क्योंकि चैलेंजेस लेना यूथ चाहता है, लेकिन जब लगता है कि यार बहुत चैलेंजिंग है फिर कितना कितने घबरा जाता है थोड़ा जहा। सो फूड की तुम गल की, खाना चंडीगढ़ का बहुत पसंद है, तो तुम्हारा फेवरेट पंजाबी फूड कौन सा है? मेरे टिक्कियां जो होती हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे यहाँ पे। कीड़ी टिक्कियां, वो जो होती है ना बड़ी खस्ती वाली टिक्कियां मिलती हैं यहाँ पे, पानी पूरी वगैरह, चाट, गोपाल चाट, की वो छोले और टिक्की, हाँ वो वाली वैसे। हाँ, मतलब जो स्ट्रीट्स पे मैं खाता रहा हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ में, वेरी वेरी टेस्टी, अमेजिंग। व्हाट अबाउट यू? पंजाब का खाना यार, आई एम नॉट अ फूडी। अगर मुझे मम्मी के हाथ का कुछ भी मिल जाता है ना, मेरे को होता है बस मम्मी के हाथ का चाहिए। आई एम नॉट अ फूडी, सो मेरा ऐसा कोई फेवरेट खाना ही नहीं है। आई लव मम्मा के हाथ का खाना, गिव मी एनीथिंग एंड आई ईट। आल्सो टिंडे कद्दू किया, आई ईट टिंडे तो इज लाइक माय फेवरेट, कद्दू भी, करेला आई डोंट लाइक मच, बट अदरवाइज आई ईट एवरीथिंग। व्हाट अबाउट यू आकाश? आई थिंक आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ लस्सी, तो मुझे लस्सी बहुत अच्छी लगती है और चंडीगढ़ में बहुत अच्छी मिलती है। एंड देन पराठे, तो हम तो दिल्ली वाले तो बचपन से पराठे खा के बड़े हुए हैं सारे। ज़्यादा सीरियल्स ऐसे देखे हैं पानी की, जो भी एक्ट्रेसेस होती हैं मोस्टली मेकअप ज्वेलरी मतलब फुल ऑफ, यू नो इवन फॉलो भी करते हैं सारे ट्रेंड की, यार उसने कमालिका ने ये मेकअप किया था तो मैं यही वाला मेकअप करवाऊंगी, ज्वेलरी पहनूंगी, इधर जैसे इन्ना कुछ इन्ना देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कितने कितने ऐसे थोड़ा एक इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट दिखाया गया है। सो इससे की कहोगे? यार आई एम वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही मेकअप पे, ना ही हेयर पे, ना ही ड्रेस चूज करने में कि क्या पहनूं, बिकॉज बानी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर आपने ये सब किया तो कैरेक्टर ही मर जाएगा। सो आई थिंक सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, बिकॉज बड़ा बहुत थका देता है यार, इतना मेकअप करो, बाल बनाओ, गुत कर ली मैंने सुबह, थोड़ा बहुत टचअप कर लिया, एंड आई एम सॉर्टेड फॉर द डे। तो आई थिंक सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर।